ये गुलाब जामुन जितना ही सॉफ्ट है उतना ही जूसी है और बिना मावे से बना हुआ है, यानी ये गुलाब जामुन बना है मिल्क पाउडर से। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे हमारे आने वाले सभी नए वीडियो के। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हमें मिल्क पाउडर से मावा बनाना है। इसके लिए मैंने आधा कप दूध लिया है। देशी घी ले रहे हैं, इसे हम 4 बड़े चम्मच डाल रहे हैं। गैस की फ्लेम को लो रखना है और अब हमने ले लिया है मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं। इसे मैंने 1.5 कप यानी 140 ग्राम लिया है। सभी चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं। ये ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को लो रखें और इसे लगातार चलाते रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है और एकदम मावा यानी खोया जैसा दिख रहा है और हल्का हल्का घी भी अलग होने लगेगा। तो इसी समय हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 300 ग्राम चीनी ली है और इसमें हम 1.5 कप पानी डाल रहे हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और इसे बीच बीच में चलाते रहना है। इसमें हम एक नींबू की स्लाइस डाल रहे हैं जिससे चीनी जमेगी नहीं यानी क्रिस्टल नहीं बनेंगी। और अगर आपको चाशनी गंदी लग रही है तो इसमें आप 1 से 2 बड़े चम्मच दूध डाल दें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो मैल है चीनी की वो ऊपर आ जाएगी, तो इसे आप इस तरह निकाल सकते हैं। चाशनी बहुत ही अच्छे से साफ हो गई है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट और पका लेते हैं। चाशनी में हमें कोई तार नहीं चाहिए। जब ये हाथ में हल्की सी लगने लगे यानी चिपचिप करने लगे, आप समझ जाइए कि चाशनी बनकर तैयार है। अब हमें गुलाब जामुन के लिए बॉल बनाना है, जिसके लिए मैंने मावा ले लिया है। ये मिल्क पाउडर वाला मावा है और 250 ग्राम है। इसमें हम 5 बड़े चम्मच मैदा डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा छोटी इलायची का पाउडर। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं और इसका एकदम चिकना डो तैयार कर लेते हैं। इस समय आप कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मैदा बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो आपके गुलाब जामुन हार्ड हो जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि जो मावा है वो एकदम ड्राई हो गया है तो इसमें आप 1 से 2 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने दूध का यूज़ नहीं किया है और ये डो बनकर तैयार है। बिल्कुल चिकना डो बनाना है और अब हम इसके गुलाब जामुन के बॉल बना लेते हैं। तो आपको जितने बड़े गुलाब जामुन बनाने हैं उस हिसाब से आप इसके बॉल बना सकते हैं। पर ये ध्यान रखें कि जैसे ही ये तेल में जाएगा यानी हल्का सा फ्राई होगा, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आप उसी हिसाब से इसके बॉल बनाएं और बिल्कुल चिकने बॉल बनाने हैं। तो इसी तरह हम सभी गुलाब जामुन के बॉल बना लेते हैं। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल को गरम कर लिया है। आप इसके जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले आप एक छोटी सी बॉल डालें तेल में और चेक कर लें कि ये अच्छे से फ्राई हो रहा है कि नहीं। अगर ये फट रहा है तो आपको जो गुलाब जामुन का डो है उसमें थोड़ा सा मैदा और मिलाना होगा, और नहीं फट रहा है तो आप सभी गुलाब जामुन को फ्राई कर लें। आपको इस समय भी कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम को आपको लो या लो मीडियम रखना है। पहले इसे हल्का हल्का चलाना है, तो आप इस तरह कढ़ाई को हिला सकते हैं, नहीं तो पलटे से बहुत ही हल्के हल्के हाथ से तेल को हिलाएं, कुछ इस तरह। इस समय आपको गुलाब जामुन को बिल्कुल भी नहीं छूना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। जब गुलाब जामुन का कलर कुछ इस तरह हो जाए यानी इसकी ऊपर की लेयर हल्की सी हार्ड हो जाए, तब आप इन्हें पलटे से भी हिलाकर अच्छे से चला सकते हैं। तो यहाँ जो मिल्क पाउडर से बना हुआ गुलाब जामुन है ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हमें इसे तुरंत ही चाशनी में डालना है। तो यहाँ जो गुलाब जामुन है ये मिल्क पाउडर से बना हुआ है यानी मावा से बिल्कुल भी नहीं बना है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार फिर से मिलते हैं ऐसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।